ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 170 हमने लास्ट क्लास में किया था, ये हमने कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, राइट? सो Yes, sir. Okay, so question ने कर लिया था. आई होप अब आपके सामने अगर आपको ऐसे जीन की अगर आपको रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी अगर आपको मिल जाती है, देन आप उन्हें अरेंज कर सकते हो एंड यू कैन गेट टू अ फाइनल आंसर कि यार कौन सा सीक्वेंस मेरा कहाँ क्या से बैठेगा. आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपसे हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हाँ जी, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आर एफ कैसे फाइंड करते, तो याद में फॉर्मुला रखना, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोजिनी इंटू 100, ये पता करके आप अपना आर एफ का वैल्यू हमेशा आप यहाँ पे निकाल सकते हो. याद रखिएगा आरएफ का जब आपका वैल्यू निकलता है तो आपका हमेशा निकलेगा परसेंटेज के अंदर, एंड देन आपको उसे कन्वर्ट करना है सिंपली इनटू योर डिस्टेंस, दैट इज योर या मैप यूनिट या आपका सेंटीमॉर्गन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच शुड बी क्लियर टू. ये फॉर्मुला याद रखना अगर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर लोग रिकॉम्बिनेंट का नंबर देंगे और प्रोजेनी का पेरेंटल का नंबर देंगे, देन आपको ये फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा मैप यूनिट पता करने के लिए. तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी. अब 174 का क्वेश्चन बड़ा ही यहाँ पे सिंपल है. जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप बेसिकली होता क्या है उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है. तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा? 1, 2, 3, 4 अनम्यूट करके आप बोल सकते हो क्या कौन सा आंसर यहाँ पे सी आएगा 174 के अंदर? जेनेटिक मैप होता क्या है और ऑप्शन आपके सामने है, एस्टेब्लिश द साइट ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, एस्टेब्लिश वेरियस स्टेजेस ऑफ जीन इवोल्यूशन, शोज द स्टेजेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, स्टोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द रीजन. क्या होता है जेनेटिक मैप? बिल्कुल ही आपका सही आंसर है, बिल्कुल. एस्टैब्लिश द साइट ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, दैट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर योर जेनेटिक मैप. सो जेनेटिक मैप बेसिकली आपका, और याद रखना जेनेटिक मैप या क्रोमोसोम मैप ये आपका बनाया था आपका एल्फ्रेड स्टुअर्ट वांट ने. सो एल्फ्रेड स्टुअर्ट वांट वाज अ पर्सन हु एक्चुअली मेड दिस जेनेटिक मैप, ये उन्होंने आपको बनाना सिखाया था, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हो आपको मालूम है, ये हम देख चुके हैं. वी हैव आल्सो सीन दिस क्रॉस ओवर हियर, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. सो ये क्लियर है आप सबको, एंड नाउ टेल मी आंसर फॉर दिस. तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके सामने वापस इन्होंने देख के रखा हुआ है आपके कुछ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये आपको देख रखी है. यू कैन सी जीन एस सी और ई के ई सी के बीच में यहाँ पे देख रखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ई सी और सी वी के बीच में यहाँ पे देख रखा हुआ है, एंड एस सी और सी वी के बीच में यहाँ पे आपको देख रखा हुआ है. सो ये आपको वैल्यूज यहाँ पे देख रखी है. आप बताइए ये जो मेरे यहाँ पे जीन है, तीन जीन है बेसिकली यहाँ पे मेरे, एक है मेरा यहाँ पे एस सी वाला जीन, दैट इज फॉर माई स्क्यूड और सर्टन ब्रिसल मिसिंग, देन यू हैव ई सी वाला जीन ओवर हियर, दैट इज फॉर माई इक्नायस और रफ आईज, एंड देन यू हैव योर सी वी वाला जीन, दैट इज फॉर क्रॉस वेनलेस एबसेंस ऑफ क्रॉस वेन. तो इन तीनों को आप अरेंज करिए क्रोमोजोम पे, ये किस तरीके से अरेंज होंगे बताइए, या इसमें से ये बताइए ये ए बी और सी में से किसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है अभी, ए बी एंड सी में से किसका डिस्टेंस? सी का सबसे ज्यादा है 17.3%, मतलब 17.3 मैप यूनिट. सिंपली इसका मतलब ये होता है कि 17.3 मैप यूनिट. तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको क्या करूंगा, इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, एस सी एक कॉर्नर पे मेरा यहाँ पे आएगा, दूसरा मेरा आएगा यहाँ पे सी वी एक कॉर्नर पे मेरा यहाँ पे आएगा, राइट? तो इन दोनों को मैंने प्लेस कर दिया एंड दैट इज द डिस्टेंस जो मेरे यहाँ पे होगा, ये दैट इज माय 17.3 मैप यूनिट, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया मेरे यहाँ पे. अब मैं क्या करूंगा, ये अगर मेरे दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक को ही प्लेस करना है, दैट इज माय ईसी, मुझे ईसी को यहाँ पे प्लेस करना है. आप मुझे ये बताओ जो ईसी वाला जो मेरे यहाँ पे जीन है आपके हिसाब से कहाँ आएगा, बीच में आएगा, सीवी के पास में आएगा ज्यादा या एससी के पास में आएगा? सर बीच में, सीवी के पास, सीवी के पास में आएगा. कुछ लोग करे कि वो सीवी के पास में आएगा, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे लिखा हुआ आपके यहाँ पे दैट ईसी एंड सीवी के बीच में यहाँ पे जो आपका जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी है यहाँ पे है 9.7, ठीक है? और एससी और ईसी के पास में आपकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी है यहाँ पे दैट इज बॉय 7.6. तो ये ज्यादा पास में मेरे हिसाब से होना चाहिए मेरे एससी के पास, यहाँ पे 7.6 यहाँ पे. तो somewhere over here I can have my particular gene and that gene will be my EC over here. EC वाला gene मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो distance मेरा यहाँ पे लग रहा है योगा around 7.6 map unit, और मेरा यहाँ पे जो distance बनेगा यहाँ पे that will be my 9.7 map unit. So sequence हमें यहाँ पे मिल गया, sequence जो मुझे यहाँ पे मिला है that is my SC, EC and CV.
तो ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा मेरे जीन का. सो जीन का सीक्वेंस यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ रहा है SC, EC and CV. तो याद रखिएगा, एक बार फिर आपको बता रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है. पहले आपको वो दो जीन देखने जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिल रहा है आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उन दो को आपने प्लेस कर दिया, आपको तीसरा तो वैसे ही मिल जाएगा. द थर्ड वन विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड ओवर देयर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. तो ये आपको यहाँ पे आ जाता है आंसर. क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको यहाँ पे, कैसे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, कैसे हमने सीक्वेंस फाइंड किया? यस सर, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसलिए आपको क्वेश्चन आना चाहिए. और एक बार फिर इसको हम देखते हैं यहाँ पे. नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है. यहाँ पे तीन नहीं है, यहाँ पे आपको है चार. यू हैव दिस फोर जीन फ्रीक्वेंसीज दे हैव गिवन, और आई वुड से रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे चार देकर रखी है. तो चारों को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. सो जीन W और Y के बीच में जो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस ही देकर रखा हुआ है. दैट इज माई 18 यूनिट, राइट? देन उन्हें बोला है W और X के बीच में जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दैट इज गोइंग टू बी योर 26 यूनिट. देन उन्होंने बोला यहाँ पे W और Z के बीच में जो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस है, दैट इज योर 40 यूनिट. एंड देन उन्होंने बोला यहाँ पे X और Y के बीच में जो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस है, राइट, एक्स एंड वाई के बीच में जो मेरे यहाँ पे डिस्टेंस है, दैट इज गोइंग टू बी योर 8 यूनिट. एंड देन यू हैव योर एक्स एंड जेड के बीच में जो मेरे यहाँ पे डिस्टेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर 14 यूनिट. तो ये उन्होंने यहाँ पे देख रही, तो ये आपको सारी फ्रीक्वेंसी इतनी सारी उन्होंने देख रखी हुई है, राइट? फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो पूरा डिस्टेंस देख रखा हुआ है. अब आप मुझे बताओ, ये सारे वैल्यू देख के सबसे पहले मैं मैप पे क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू लगाऊंगा? 40 W और Z की. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे यहाँ पे W और Z को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. बड़ा सा बनाऊंगा यहाँ पे, एंड आई विल हैव ओवर हियर, लेट्स सी, यू हैव अ W एंड देन यू हैव अ Z ओवर हियर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया. दैट इज समथिंग आई हैव डन. सो मैंने W और Z को यहाँ पे प्लेस कर दिया. ओके, राइट, ठीक है. अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग लड़ाओ में, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इसमें आप देखो कि आपका सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू आपके यहाँ पे कौन सा आ रहा है, राइट? तो उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो कि चलो W और X के बीच में आप यहाँ पे लगा दो एक, लेट्स से यू कीप अ पॉइंट ओवर हियर, right? And that point, let's say this is going to be your, x over here. ठीक है, जिसको हमने temporarily यहाँ पे लगा दिया. उसके बाद आप यहाँ पे देख लो कि उसके बाद next highest आपकी value W और Y की है, जो आपकी यहाँ पे आ रही है अराउंड 18 जितना डिस्टेंस है. मतलब इससे मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, वो आपके हिसाब से है Y वाला? अब देखो ध्यान से, इसका जो डिस्टेंस आपका था W और Z का, दैट वाज माय 40, ठीक है. फिर W और X का जो मेरे यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे जो लग रहा है मेरे यहाँ पे, इनका और इसके बीच में जो मेरे यहाँ पे डिस्टेंस लग रहा है, वो मेरा है यहाँ पे 26, ठीक है, मेरा है यहाँ पे 26. फिर हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग किसको देख रहे थे यहाँ पे, वी वर स्विंग, तो हमने ये दो को तो हमने यहाँ पे देख लिया. फिर हम कह रहे हैं W और Y को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो W और Y का जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, वो आपका यहाँ रहा है 18. तो अगर वो 18 डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा लेफ्ट में होगा ना, एक्स के तो लेफ्ट में होगा, क्योंकि W Y के पास में है. Yes, sir. पता चल रहा है? So it has to be somewhere over here. Let's see. Somewhere over here I'll be having the Y वाला. Somewhere over here I'll have the Y one, right? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका और इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, that is going to be roughly around like 18 जितना यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, अब आप बताओ नेक्स्ट हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा है 18 के बाद? 14, 8, ठीक है, बिल्कुल. ये आपके यहाँ पे 8 हो भी सकता है, अगर तुम ऐसे देखोगे तो इसका टोटल करके 18 + 8 = 26, तो आपके यहाँ पे लग गया. ठीक है, तो आपने किया क्या यहाँ पे, ये सब तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया? पहले मैंने क्या किया, सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया. सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस था वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मैंने W और Z यहाँ पे प्लेस कर दिया. उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा उसको मैं प्लेस करूंगा.
देन आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर. तो वैसे कर करके मैंने यहाँ पे मेरे जीन प्लेस कर दिए, और जब मैंने यहाँ पे मेरे जीन प्लेस किए हैं तो मुझे यहाँ पे क्या सीक्वेंस दिख रहा है, व्हाट इज द सीक्वेंस आई कैन सी ओवर हियर? तो WYXZ. तो इस हिसाब से मेरा कौन सा आंसर यहाँ पे सही बैठेगा? सेकंड. अब बात यह है कि ये तो यार मैंने कर दिया आपके लिए, देखा जाए तो ये आपने किया नहीं, बट आई होप आपको ये समझ आ रहा है ये कैसे हुआ. अब कितना भी कोई भी घुमा के देना, चाहे आपको कितना भी बड़ा वो बना के दे, अब यहाँ पे उन्होंने 5-6 जीन का दे दिया था, लाइक दे हैव गिवन, ओके सॉरी नॉट दे हैव गिवन फॉर द 4 जीन, राइट? नाउ दे कैन गिव यू फॉर लाइक 6 या 7 जीन के लिए. अगर आपको देते तो आपको करना क्या है, आपका स्कूल ऑफ थॉट यही रहेगा कि नीट में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप साइड में पेपर में आप ये बना लेना, ये बना लेना. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एट द सबसे लेंथी जो आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी या लेंथ मिलेगा वो आप पहले डालना, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइक वन, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर. देन उसके बाद जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसके कंपेयर में उसको आप देखना, राइट? सो उस हिसाब से फिर आप वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपको आपका सीक्वेंस यहाँ पे मिल जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. सो कभी अगर आपको 4 या 5 जीन का अगर आपको आता है तो आपने लाइक पैनिक नहीं होना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली प्लेस द नंबर लाइक 1 by 1 करके आप वहाँ पे नंबर प्लेस करिए, और 1 by 1 प्लेस द सीक्वेंस या प्लेस द जीन एज पर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट? सबसे हाईएस्ट फिर आप उसे नीचे लेके आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लेके आएंगे, एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर ओवर हियर. ओके, तो ये आपने ये दो आपने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, आई एम अज्यूमिंग कि वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता चल गई है. सो यहाँ पे हमने हमारा लिंकेज वाला पार्ट खत्म कर लिया. सो ओवर हियर वी हैव बेसिकली कंप्लीटेड द लिंकेज वाला कंपोनेंट. सो लिंकेज क्या होता है, क्यों होता है, दैट इज ऑल समथिंग वी हैव सीन. सो अगर आपसे पूछे कि यार लिंकेज की जो थ्योरी थी वो प्रूफ किसने किया, उसका आंसर क्या होगा? कितने पैर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? अब ध्यान से आंसर देना, मुझे ये बताओ कि आपके ड्रोसोफिला के जो क्रॉसेस किए थे टीएच मॉर्गन ने, 2 क्रॉस किए थे, सुनो 11 pair of chromosomes. क्या कह रहे हो तुम लोग, सुनो मेरी बात. टीएच मॉर्गन ने आपके 2 क्रॉस किए थे, राइट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर, सॉरी इनकम्प्लीट लिंकेज के ऊपर. सो मेक यू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट लिंकेज, टीएच मॉर्गन ने आपके 2 क्रॉस करके दिए थे जो इनसाइड में जिसका चार्ट भी है, जिसका ये चार्ट भी हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया वो चार्ट? दिस चार्ट इज समथिंग दे हैव गिवन. अब मुझे ये बताओ ये जो क्रॉस थे वो कौन से कैरेक्टर को लेके थे, विच कैरेक्टर वाज स्टडीड ओवर देयर? बहुत बढ़िया. एक था क्रॉस आपका बॉडी कलर और आई कलर का, ये था एक तो क्रॉस, ठीक है? और इस क्रॉस को करने के बाद उसे कितने रिकॉम्बिनेंट मिले थे? 1.3% वाज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ही वाज एबल टू फाउंड, राइट? तो पेरेंटल आपके यहाँ पे जाते 98.7, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा. हाँ, एक तो ये था उसका कैरेक्टर स्टडी किया था, और दूसरा क्रॉस किस पे किया था, किस कैरेक्टर को फॉलो किया था उसने? आई कलर एंड विंग टाइप. विंग टाइप, बहुत बढ़िया, राइट? आई कलर एंड विंग टाइप, ठीक है. एंड ओवर हियर अगेन योर लाइक रिकॉम्बिनेंट उसे यहाँ पे कितने मिले थे? 62.8% parental. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, right. तो ये सब याद रखना, and please याद रखना recombinant पता करके मैं काफी कुछ पता कर सकता हूँ. आप काफी क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके जो जीन्स थे यहाँ पे इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा थी लिंकेज की कम्पेयर टू द वन ऑन द राइट हैंड साइड. सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिड. तो इतना अगर आपको याद रहता है, दिस आर द थिंग विच जो हमने यहाँ पे किए, मैं आपके साथ आज आपको और कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा विच आर प्रिसाइसली बेस्ड ऑन this kind of question and recombination frequency. So that is something we'll have to do, so yes, that aapko speak grip bag jaye ki yaar ye mujhe question aa raha hai. So that is something we'll do, theek hai? All right, now let's have a look at the sex determination. Ab hamara yahan pe naya topic chalu karenge jisme hum baat karenge about the sex determination. Ab sex determine aapka kiya jata hai by number of factors aap yahan pe sex determine kar sakte hain alag alag animals ke andar, but hum sirf yahan pe 2 cheezon ko yahan pe follow karenge, and those 2 things are going to be, one is my environmental regions, environmental reasons for your sex determination, और दूसरा आपको यहाँ पे होगा allosomic और chromosomal reasons for my sex determination. So एक तो chromosomes आपके कुछ determine करते हैं आपका sex of the individual, like in human beings, but कई बार कुछ animal या species के अंदर
एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके डिटरमाइन करते हैं आपके सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को, या जेंडर इज बीन डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक हम यहाँ पे टर्म समझेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज वन थिंग वी अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, प्लेसमेंट क्लोजर टू द और प्रेजेंस क्लोजर टू द फीमेल बॉडी, प्रेजेंस क्लोजर टू फीमेल बॉडी। तो ये दो टर्म्स को हम यहाँ पे समझेंगे और ये दो टर्म्स को हम यहाँ पे हम लाइक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। क्रोमोसोमल क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, दैट इज अ सिंपलर वन, जहां पे आपके क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल। सो लेट्स सी दैट, विल अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, दैट इज माय एसोसिएशन विद द फीमेल। तो ये जो आपका टर्म है ये आएगा बेसिकली एनवायरमेंटल वाले कैटेगरी के अंदर। सो योर एनवायरमेंट डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द एनिमल, तो ये उस कैटेगरी के अंदर आपको आ जाता है। सो लेट्स सी इसमें होता क्या है, एसोसिएशन विद द फीमेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। सो आपका एक यहाँ पे स्पीशीज है बोनेलिया करके। अब याद रखना, बोनेलिया आपका जो स्पीशीज है यहाँ पे, इट इज अ वन टाइप ऑफ योर एनेलिडा, इट इज अ वन टाइप ऑफ योर एनेलिडा जो आपको ओशन में मिलता है। सो बेसिकली इट्स अ मराइन एनेलिड, बेसिकली आपका जो स्पीशीज आपका यहाँ पे, इट्स अ मराइन एनेलिड। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको ये मिलेगा देखने के लिए कि समझो यू हैव अ फीमेल एनिमल, सो यू हैव अ फीमेल एनिमल और यू हैव अ फीमेल एनेलिड। अब ये फीमेल एनिमल क्या करेगा, फीमेल एनेलिड आपके यहाँ पे क्या करेगी, ये अपना एग ले करेगी, एग में से लार्वा हैच आउट होगा। अगर लार्वा फीमेल को जाके अटैच होता है, समझो ये आपका लार्वा हैच आउट हुआ, समझो ये आपका लार्वा यहाँ पे बाहर निकल के आ गया, अगर ये लार्वा फीमेल के साथ जाके अटैच होगा, इफ इट गोज एंड अटैचेस टू द फीमेल, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस लार्वा विल डेवलप इनटू अ मेल लार्वा, दिस लार्वा विल डेवलप इनटू अ मेल इंडिविजुअल। तो याद रखना, जब लार्वा बनता है तो लार्वा का कोई सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, बट अगर लार्वा फीमेल के साथ जाके अटैच होता है, इफ इट गोज एंड अटैचेस विद द फीमेल, देन व्हाट विल हैपन, क्योंकि वो फीमेल के पास जाके वहां पे अटैच हो रहा है, उसके साथ अटैच हो रहा है बेसिकली, तो आपका ये लार्वा विल ग्रो इनटू द मेल इंडिविजुअल, और ये जो मेल होगा, इट विल एंटर इनसाइड द फीमेल बॉडी, इट विल एंटर इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे जाएगा, एंड विल स्टार्ट लिविंग देयर इनसाइड एज अ पैरासाइट, एंड विल स्टार्ट लिविंग ओवर देयर एज अ पैरासाइट, सो एज अ पैरासाइट विल स्टार्ट लिविंग ओवर देयर, बेसिकली ये जाके रहेगा यूट्रस के अंदर, फीमेल जो बोनेलिया है उसके यूट्रस में जाकर रहना चलेगा, एंड विल लिव देयर एज अ पैरासाइट। तो याद रखना, अगर फीमेल के साथ अटैच होता है मेरा लार्वा यहाँ पे, देन इट विल डेवलप इनटू अ मेल, सो दैट्स वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि समझो लार्वा फीमेल के साथ अटैच नहीं होता, वो कहता है कि यार मैं तो रहूंगा इंडिपेंडेंट, सो समझो ये लार्वा हो गया, इट इज लिविंग अ इंडिपेंडेंट लाइफ, ये फीमेल के साथ अटैच नहीं हो रहा, सो इन दैट केस क्या होगा, दिस लार्वा विल नाउ डेवलप इनटू अ फीमेल, नाउ दिस लार्वा विल डेवलप इनटू अ लार्ज फीमेल, इट विल डेवलप इनटू अ लार्ज फीमेल जो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगी, and it will be living as an independent life. So you'll have an independent female will be seen over there. तो आपको इसमें याद ही रखना है कि अगर आपका लार्वा अटैच करता है आपके फीमेल बॉडी के साथ, और लार्वा बड़ा छोटा सा होगा, ठीक है, अगर वो अटैच करता है फीमेल बॉडी के साथ, then it will develop into a male. और अगर आपका लार्वा कहता है कि नहीं यार मैं तो इंडिपेंडेंट ही रहूंगा, मुझे किसी के साथ अटैच नहीं होना, so that in that case that larva will develop into a large female and will live an independent life. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आपका जो एसोसिएशन है फीमेल के साथ, वो डिटरमाइन कर रहा है कि जेंडर क्या होगा इस एनिमल का। सो जब आपका लार्वा बॉर्न होता है तो लार्वा इज गोइंग टू बी अनडिफरेंशिएटेड, इट वोंट हैव एनी डिफाइंड जेंडर ओवर देयर, इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, अगर वो फीमेल के साथ ग्रो कर रहा है देन इट विल बिकम अ मेल, अगर वो फीमेल से दूर कहीं इंडिपेंडेंट रह रहा है देन इट विल डेवलप इनटू अ लार्ज फीमेल। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, एंड दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन माय बोनेलिया। सो बोनेलिया एक आपका मराइन एनिलिड है, या मैं कह सकता हूँ इट्स अ मराइन वॉर्म, और उसके अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द बोनेलिया। बोनेलिया की वाली स्टोरी होती है, याद रखना, लार्वा अगर अकेला रह रहा है देन इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल एनिमल, अगर लार्वा अटैच हो जाता है फीमेल के साथ तो इट विल डेवलप इनटू अ मेल एंड विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ बोनेलिया एंड विल स्टार्ट डूइंग ओवर देयर एज अ पैरासाइट, वो वहां पे रहना चालू करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ, इफ लार्वा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल इट डेवलप्स इनटू अ मेल, मेल एंटर इनसाइड द बॉडी एंड लिव्स एज अ पैरासाइट।
larva which does not attaches to the female lives a independent life and develops into a large female. So that is something you have to know. Itna tumhe iske andar yaad rakhna. This is one thing you have to remember in this. ठीक है. So ये बड़ा simple है. That is the oestrogen with the female. अगला term हम यहाँ पे समझते हैं. That is my incubation temperature. हाँ जी बेटा बोलिए 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 बेटा बोलिए. आज फीमेल डेवलप होगी ना, फिर वो भी एग ले करेगी, तो जो पैरासाइट निकलेगा अगर वो उसके साथ अटैच हो गया तो वो भी उसके साथ अंदर रहेगा फिर. अच्छा ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू. ओके एक बार फिर बोलना बेटा. सर जो लार्ज फीमेल डेवलप होगी ना वो भी एग करेगी, तो फिर जो लार्वा होगा ना वो पैरासाइट निकलेगा उसमें से, अगर वो अटैच हो जाता है फीमेल के साथ तो उसके यूटेरस में रहेगा फिर वो पैरासाइट. हाँ तो देखो अभी तुम समझो कि ये जो मेरा मैं आपको बताता हूँ, समझो आपके पे जो लार्वा है वो आपका बन गया मेल. ठीक है, मेल क्यों बना, क्योंकि फीमेल के साथ रहता है, वो फीमेल के साथ अंदर एंटर हो गया तो वो वहां पे रहेगा. द मेल विल लिव ओवर देयर राइट अलोंग विद द फीमेल. अब फीमेल जब अपना वो एग ले कर रही है ना, एग ले कर रही है, तो उसके अंदर लाइक मेल नहीं होगा, वो सिर्फ एग्स होंगे. ठीक है, जब आपकी फीमेल वहां पे एग ले करेगी, जब आपकी जो फीमेल आपकी यहाँ पे है, जब ये एग ले करेगी फ्यूचर में, तो जब एग ले करिए तो उसके अंदर तो लाइक आपके सिर्फ एग होंगे, उसके अंदर आपके लाइक दोज एग्स वोंट हैव लाइक एनी वेल डिफाइंड सेक्स ओवर देयर, दे विल लीव द एग्स, और आपका जो मेल होगा वो तो आपको वहां पे रह रहा होगा. द मेल इज समथिंग व्हिच इज लिविंग इनसाइड द बॉडी राइट. सो द एग वोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक उसमें मेल का कुछ वहां पे लाइक ट्रेट्स नहीं होंगे. द थिंग इज जो आपका एग हैच आउट होता है उसके बाद डिटरमाइन होगा कि आपका वो जो लार्वा है वो आपका मेल बनेगा या फीमेल बनेगा यहाँ पे. सो दैट इज द थिंग. तो इतना अगर आप ये सोचो कि आपका जो यहाँ पे जो फीमेल है ये एग हैच आउट करने के बाद उन एग्स के अंदर ये मेल का कुछ गैमेट्स वहां पे पहुंच जाते हैं, दैट वोंट बी हैपनिंग, दैट वोंट बी हैपनिंग ओवर देयर. पता चल रहा मैं क्या कह रहा हूं आपको? यस सर. राइट, सो दैट इज नॉट समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग यूट्रस के अंदर की. आराम से बोलो, आराम से बोलो, एक बार फिर बोलो. हां क्या कह रहे हो आप? सर मतलब बॉडी में कहां जैसे होगा ये जो मेल है लार्वा जो मेल बना है यूट्रस, ये जो मेल लार्वा जो बना है ना ये बना के, ये क्योंकि फीमेल के साथ जाके अटैच हुआ और ये रहेगा यूट्रस में. तो फीमेल का यूट्रस है जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दिखाया आपको, इस वाले पोर्शन के अंदर आपका मेल वहां पे जाके रहेगा एंड विल ग्रो ओवर देयर एंड विल सर्वाइव ओवर देयर. ठीक है, ये उसका वहां पे लाइफ होता है. एंड द थिंग इज इसमें देखा गया दैट मेल्स वोंट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे विल रिमेन ओवर देयर एंड आफ्टर सम टाइम दे विल एंड अप डाइंग राइट. एंड देन यू विल फाइंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. फीमेल्स आर द वन जो यहाँ पे आपकी डोमिनेंट रहती है, आई वोंट से डोमिनेंट बट फीमेल्स आर द वन जहाँ पे दे लाइक आर लार्जर इन साइज राइट, एंड मेल आर द वन दे जस्ट लिव एज अ पैरासाइट. Okay, so that is one thing you will find in them. So, yaad rakhna, they will live inside the body of a female, and basically, more precise, you call them as the uterus is the area jahan pe aapko dekhne ke liye milenge. So, ye milega aapko dekhne ke liye in the analytics ke andar. Theek hai? Yaad rakhna, isme aapka sex determine kiya jata hai, depends on the again where you are actually living your life. Near the female, then you turn into a male. Away from a female, you turn into an independent female. So, that's the thing. Then you have a incubation temperature. ये भी एक आपका तरीका है जिसके थ्रू आपका यहाँ पे sex determine करता है, करा जाता है कुछ species के अंदर. Basically you find that happening in your turtles and crocodiles. So turtles and crocodiles are the one. Crocodiles आप ले लो या even आप ले लो alligator. याद रखना alligator India में नहीं मिलता, alligator से आपको मिलता है US के अंदर. So इनके अंदर आपका sex determine किया जाएगा with the help of my incubation period. अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल सा रूल है. अगर मैं बात करूं टर्टल्स की, इफ आई टॉक अबाउट टर्टल्स ओवर हियर, सो अगर आपका टेम्परेचर रहता है 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे राइट, इफ यू हैव 20 डिग्री सेल्सियस और लेस, देन द एनिमल्स विल टर्न इनटू योर मेल, देन एनिमल्स विल टर्न इनटू योर मेल. सो मेल एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. अगर आपका टेम्परेचर रहता है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस or more, then your animal will turn into your, or sorry, your egg will turn into your, hatch out into your female animal. तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर 20 डिग्री से कम अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर है आपकी सैंड का जहां पे egg आपके incubate हो रहे हैं, तो वो एनिमल जो हैच आउट होगा वहां से दैट इज गोइंग टू बी अ मेल. अगर आपका टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का है एंड इन दैट केस आपका जो एग यहाँ पे होगा वो आपका हैच आउट करेगा इनटू अ फीमेल एनिमल. तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका डिटरमाइन करता है कि आपका मेल होगा यहाँ पे फीमेल होगा. अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच में हुआ तो, सो अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच में हुआ तो वो टेम्परेचर कौन से रेंज के पास में उस पर डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. सो फॉर एग्जाम्पल समझो आपका टेम्परेचर है आपका यहाँ पे अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस,
Now, because it is closer to 28, then there are more likely chances of developing into a male. Agar wo 30 hai, even then you will find it can turn into a male. But agar wo 31, 32 hai, then you generally find that egg will hatch out into a female. So, depend karta hai ki wo temperature jo aapko beech mein aa raha hai, wo kaun se range ke paas mein hai. 28 ke paas mein, 32 ke paas mein. Right? On the basis of that, you can have a male and a female. So, on that basis, aapko ek male or female animal aapko yahan pe mil jayega. तो यार इतना टर्टल्स के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ अगर टेम्परेचर सैंड का तो आपके जो एग्स होंगे वो हैच आउट करेंगे मेल एनिमल के अंदर. अगर आपका टेम्परेचर जो होता है आपके सैंड का वो रहता है आपका मोर देन 33 डिग्री सेल्सियस देन आपके जो एग्स होंगे वो हैच आउट करेंगे इनटू योर फीमेल. सो मैं सैंड यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के दोनों एनिमल आपके सैंड में एग ले करते हैं. सैंड मतलब सॉइल के अंदर वो एग ले करेंगे एंड देन विल कवर द एग्स विद द सॉइल और अ सैंड एंड देन यू विल फाइंड देम इनक्यूबेटिंग विद इन द सैंड. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जो एक्चुअली में हो रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो मेरी टर्टल की पॉपुलेशन हो जाएगी एक्सटिंक्ट. बेसिकली मेरी टर्टल की पॉपुलेशन मेरे यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपका टेम्परेचर जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमेशा, देन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि आपके जितने भी हैच आउट होंगे वो सारे आपके होंगे फीमेल्स. और अगर सारे फीमेल्स हैच आउट होंगे देन यू विल फाइंड कि मेल्स तो होंगे नहीं. अगर मेल्स नहीं आ रहे देन ऑब्वियसली द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि टर्टल्स को इशू है. टर्टल्स आर सम ऑफ द स्पीशीज अलॉन्ग विद एम्फीबियंस जिनको एक बड़ा ही कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ माई ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आप जानते हो कि इनके अंदर आपका जेंडर डिटरमाइन कर रहा है आपके यहाँ पे टेम्परेचर. ठीक है, तो क्या टर्टल वाली स्टोरी यहाँ पे सबको क्लियर है? क्रोकोडाइल के साथ थोड़ी चीज अलग होती है यहाँ पे. क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर रहता है लेट से 30 डिग्री सेल्सियस और लेस, तो इस टेम्परेचर पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे यहाँ पे फीमेल्स. आई गेट टू सी फीमेल्स विल हैच आउट. अगर मेरा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 34 डिग्री सेल्सियस और मोर देन आई विल फाइंड दे विल लीड टू अ मेल एनिमल्स. तो ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि मेल और फीमेल यहाँ पे आपका रिवर्स हो जाता है. अगर 30 डिग्री सेल्सियस से आपका यहाँ पे कम आ रहा है टेम्परेचर देन यू विल फाइंड द एग्स विल हैच आउट इनटू अ फीमेल. एंड अगर आपका 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर बन रहा है देन यू विल फाइंड द एग्स विल हैच आउट इनटू अ मेल. तो ये चीज आपको होती है देखने के लिए मिलेगी इन योर क्रोकोडाइल्स. अब इतना अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूं तो क्या आप मुझे ये बताइए क्या मैं जू के अंदर अपना मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो क्रोकोडाइल्स का मेंटेन कर सकता हूं? कैन आई डू दैट? यस यस. कैसे करेंगे, कैसे करोगे आप कैसे करोगे मुझे ये बताओ, आप कैसे करोगे? समझो तुम जू के क्यूरेटर हो, इमेजिन कर लो दो मिनट के लिए तुम कैसे मेंटेन करोगे टेम्परेचर. अरे कुछ तो आंसर दो, लाइक व्हाट यू कैन डू ओवर हियर. सर जो मेल वाले एग्स होंगे उनको धूप. अच्छा ओके गॉट इट. अच्छा ऐसा ही है. हाँ बोलो क्या कर रहे हो आप बताओ. रूम में टेम्परेचर इंक्रीज करके. ठीक है राइट ओके. सो याद रखना अभी तुम आगे पढ़ोगे एक मशीन होता है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेटर. ठीक है, एक तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इंक्यूबेटर में जाकर रख दो अपने एग्स को. ठीक है, उसमें अगर आप वहां पर जाकर रख देते हो तो आप वहां पे टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो. लाइक आप मेंटेन करो टेम्परेचर कि हाँ भी मुझे चाहिए 34 के ऊपर तो सारे तुम्हारे मेल निकलेंगे. राइट, अगर तुम उसको रखते हो 30 के नीचे देन यू विल फाइंड यू कैन टेक आउट द फीमेल. सो यू कैन यूज अ इंक्यूबेटर ओवर देयर, दैट्स वन थिंग. ये इंक्यूबेटर तुम पढ़ोगे जब तुम पढ़ोगे स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर. जनरली पोल्ट्री फार्म के अंदर ये आप रखते हो ताकि आप मेंटेन कर सको अपने, लाइक बेसिकली वहां पे सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं कर सकते पोल्ट्री फार्म के अंदर, बट इंक्यूबेटर के अंदर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो. टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है बर्ड्स के लिए टू हैच आउट द एग्स. सो यहाँ पे आप इंक्यूबेटर में रख के आप अपने एग्स को हैच आउट करा सकते हो, दैट इज वन थिंग यू कैन डू. एक चीज आप ये कर सकते हो कि अपने एग्स को आप बरी कर दो सॉइल के अंदर और सॉइल का टेम्परेचर आप मेंटेन रखो या उसे मेजर करते रहो, देखते रहो कि वो 30 के नीचे है या 34 के ऊपर है. सो अगर आप वो मेंटेन कर पाते हो इवन देन यू कैन मेक श्योर कि आपका फीमेल और मेल आप यहाँ पे लाइक हैच आउट करा सकते हो अपने इक्वल रेशियो के अंदर. इंडिया में यू माइट नॉट बी नोइंग दिस बट ये जो टर्टल की जो मैंने यहाँ पे फोटो लगाई हुई है दैट्स अ सी टर्टल. ये बेसिकली आपके यहाँ पे सी टर्टल है
और सी टर्टल आर लाइक ग्लोबली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन कर रही है एंड इन अ मैटर ऑफ सर्टन ईयर्स लाइक देयर इज अ कंसर्न दैट दे माइट गो एक्सटिंक्ट, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत एंडेंजर्ड है. सो इंडिया में यही क्या करा जाता है, इनके एक्स को हम लोग लेके आते हैं बीच पे से, एक्स को लेके आते हैं एंड देन यू कीप देम इनटू अ हैचरी, एक हैचरी बना के रखते हैं जो एक काफी बेसिक सा एरिया, छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे सॉइल होती है और प्रोडक्शन मिलती है वहां पे उन टर्टल्स के एक्स को, उनको लोग बरी करते हैं एंड देन सॉइल के टेम्परेचर को लोग मेंटेन करते हैं. मेंटेन करते मतलब मेजर करते हैं कि कितना है, अगर ज्यादा है तो उसको थोड़ा लाइक वो खोद के कम करते हैं, बरी लाइक बहुत डेप्थ में नहीं करते, थोड़ा ऊपर ले आते हैं. सो दैट इज समथिंग दे डू एंड दैट्स हाउ दे मेंटेन द टेम्परेचर और दैट्स हाउ दे मेंटेन द सेक्स रेशियो ऑफ द टर्टल्स ओवर हियर. सो ये करा जाता है काफी जगह पे, ये करा जाता है सो दैट यू कैन एंश्योर दैट कि अगर मेरे पास 60 एग्स हैं तो 30 फीमेल बने और 30 मेरे मेल बने. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन कंसीडरिंग दैट दिस इज अ कंसर्न फॉर दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन जो आपकी एक्सटिंक्ट हो सकती है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो दैट्स योर स्टोरी ऑफ योर टर्टल एंड क्रोकोडाइल. और याद रखना यहाँ पे आपका किस टेम्परेचर पे आपका यहाँ पे क्या बनेगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एलोजोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की. लेट्स टॉक अबाउट दिस कि आपके क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन आपके यहाँ पे कैसे होगा वो हम यहाँ पे समझते हैं. अब आपने ये देखा है कि ड्रोसोफिला के अंदर, अगर आपको मालूम है तो ड्रोसोफिला एज वेल एज योर ह्यूमंस, हमारे अंदर वी हैव दिस स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स, राइट. सो हम दोनों के अंदर कॉमन ये है दैट वी हैव योर एक्स 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 वाई वाला कंडीशन. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इन ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला दैट यू विल हैव, हमारे अंदर क्या होता है दैट इफ यू हैव ऑटोसोम्स, ये ए मतलब ऑटोसोम्स, ए मतलब यहाँ पे ऑटोसोम्स, मैंने टू लिखा बिकॉज यू हैव लाइक टू पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, दैट्स व्हाई यू हैव लाइक 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. सो ऑटोसोम्स के साथ अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्स वाई वाली कंडीशन देन दैट एनिमल टर्न्स इनटू योर मेल, ये बात आप लोग जानते हो. यस सर. अगर ऑटोसोम्स के साथ एक्स एक्स वाली कंडीशन देन दैट एनिमल टर्न्स इनटू योर फीमेल, ये भी आप राइट. तो याद रखना यहाँ पे कि मेल जो यहाँ पे होते हैं चाहे वो ड्रोसोफिला हो या चाहे ह्यूमंस हो, उनके अंदर आपका एक्स वाई डिटरमाइंस योर मेल एनिमल एंड फीमेल इज गोइंग टू बी योर एक्स एक्स. सो ये हमारे लिए और ड्रोसोफिला लिए कॉमन है. सो ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन हैव अ सेम काइंड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एक्स 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 वाई वाला. याद रखना कि जब आपको यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमंस आर लाइक मेल्स आर एक्स वाई, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई हिट्रोगैमेटिक कंडीशन, हिट्रोगैमेटिक condition and xy is called as my homogametic condition, that is my homogametic, kyunki dono yahan pe aapke chromosomes aapke yahan pe same hai, that is my homogametic. So homogametic aur heterogametic term aapko yahan pe add karna hai, that is a very simple term, yahan pe heterozygous condition aapke homozygous isliye, that's why. ab isme aapko ye kafi clearly malum hai ki agar main baat karu yahan pe humans ki, right, agar main humans ke yahan pe example leta hu to aapki jo female yahan pe hoti hai, female is always going to make only one type of egg. Female हमेशा सिर्फ एक ही टाइप का एग बनाना है यहाँ पे, right? That is my autosome plus X. एक ही टाइप का female यहाँ पे एग बनाएगी. लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे मेल की, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे मेल की, so male is going to make two type of your sperms. एक आपके यहाँ पे sperm होगा, that will my autosome plus Y. That will be one type of sperm. Another type of sperm is my autosome plus X, right? तो आपके दो टाइप के स्पर्म आपको मिलेंगे which are been formed by the male और female आपके बनाते हैं यहाँ पे आपका सिर्फ एक टाइप का यहाँ पे egg. तो ये आपको याद रखना है, again that is a very simple thing, right? And these are the sperms over here. अब आप ये बात जानते हो कि अगर आपका Y वाला गैमेट जाके फ्यूज करता है फीमेल के साथ then you will have the male baby. You will have the male condition. राइट right? अगर आपका एक्स वाला अगर स्पर्म जाके फ्यूज करता है देन यू हैव फीमेल. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये तो आपने 10th में भी देखा था. सो ये तो बड़ा सिंपल है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. दैट इज समथिंग यू गेट टू सी, हां दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन माय मेल एंड फीमेल वाला लाइक सेक्स डिटरमिनेशन. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद ये रखनी है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वाई क्रोमोसोम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी राइट ओवर द वाई क्रोमोसोम यू हैव ओवर हियर. It is a small chromosome. It is a very small chromosome. That is one thing I want all of you to remember. ये तो काफी छोटा सा ये यहाँ पे chromosome होता है. एक ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है. दूसरी चीज़ आप यहाँ पे याद दे रखेंगे कि Y chromosome के ऊपर होते हैं कुछ genes. So let me write down over here that Y chromosomes जो आपका यहाँ पे होता है male के अंदर, it will have some gene and that gene is known as my
एस आर वाई जीन, ये याद रखना, दिस इज योर एस आर वाई जीन। अब क्वेश्चन ये कि ये जो मेरा एस आर वाई वाला जो मेरा यहाँ पे जीन है करता क्या है, ये जीन मेरा बनाता है एक प्रोटीन और उस प्रोटीन का नाम है यहाँ पे मेरा यहाँ पे TDF, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये बात याद रखना, भूलना मत, वाई क्रोमोसोम आपका जो रहेगा मेल्स के अंदर वो आपका रहेगा स्मॉल, वो काफी छोटा होता है कंपैरेटिवली एक्स से, काफी स्मॉल होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स भी कम ही होता है, नंबर ऑफ जीन भी उसके अंदर कम होता है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीन उसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं एस आर वाई जीन। अब ये जो मेरा यहाँ पे जीन होता है ये बनाता है एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं यहाँ पे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और ये जो आपका जो प्रोटीन होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, या ये जो आपका जो लाइक एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगा टीडीएफ का, ये टीडीएफ क्या करेगा, इट एक्चुअली गोज एंड टेस्ट द एम्ब्रियो टू स्टार्ट फॉर्मिंग योर टेस्टिस। ये आपका जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उस एम्ब्रियो के अंदर टेस्टिस बनाने का सिग्नल इसके थ्रू आता है। तो बेसिकली यही जाके एम्ब्रियो को जाके बोलता है दैट यू हैव टू फॉर्म द टेस्टिस, जहां पे गोनाइट्स बनाने हैं उन उस एरिया के अंदर आप टेस्टिस बनाओगे बिकॉज यू हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ माय SRY। तो ये चीज याद रखना कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एक्चुअली जाके एम्ब्रियो को जाके बोलेगा दैट गोनाइट्स वाले एरिया में आपने टेस्टिस बनाना है, आपने ओवरीज नहीं बनाना। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड द टेस्टिस फॉर्मेशन विल स्टार्ट हैपनिंग इन द एम्ब्रियो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट SRY वाला जीन आपका होता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर, वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा सा क्रोमोसोम है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स भी आपके यहाँ पे कम रहेंगे, ठीक है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। एंड ये SRY वाला जो जीन आपका यहाँ पे है दैट इज समथिंग विल एक्चुअली मेक अ प्रोटीन दैट इज माय टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और ये जाके आपका ट्रिगर करेगा योर टेस्टिस फॉर्मेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्लियर है सबको? ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बाकी स्टोरी तो तुम्हें याद हो जाएगी, वो इतनी डिफिकल्ट है नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन, और इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। तो याद रखना ड्रॉसफिला और ह्यूमंस के अंदर सेम होता है, एक्सएक्स एक्सवाई टाइप ऑफ माय सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन देम, सो इट्स अ वेरी सिंपल वन एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम बात करते हैं हमारा एक्सएक्स एक्स0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटरमिनेशन। अब इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, पहली चीज याद रखना कि आपको मिलेगा किसके अंदर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, दैट इज योर ग्रास हॉपर, देन यू कैन हैव योर कॉकरोच, एंड यू कैन हैव समथिंग लाइक योर राउंड वर्म्स, मेनी राउंड वर्म्स। इन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक्सएक्स एक्स0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटरमिनेशन। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनके मेल और फीमेल में कैसा होता है आपका अरेंजमेंट। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर की जो फीमेल होती है, ग्रास हॉपर की अगर आप फीमेल पकड़ोगे और अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे, सो शी विल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्सएक्स कंडीशन, ये होगा सेक्स ऑफ द फीमेल, सो दैट विल बी द अरेंजमेंट इन द फीमेल एनिमल, राइट। और अगर आप यहाँ पे मेल को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप ग्रास हॉपर के मेल को अगर आप पकड़ के लाते हो, सो उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे ऑटोसोम्स प्लस X0। अब मैं यहाँ पे जीरो इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक नहीं होता, जीरो मतलब कुछ जीरो नाम का क्रोमोसोम वहां पे नहीं है, जीरो मींस उसके पास सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम है वहां पे, दैट इज योर एक्स वाला, और दूसरा वहां पे होता है एबसेंट, तो इसलिए उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ X0। तो जीरो ये मत समझना, जीरो इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जीरो मतलब कुछ नहीं है वहां पे बेसिकली रह जाए, तो ग्रास होकर जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम वहां पे होता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। फीमेल के अंदर यू विल गेट टू हैव अ 2x क्रोमोसोम्स। तो ये है मेरा जीनोटाइप ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल। तो पहले तो तुम्हें इतना यहाँ पे याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यार मेल कितने गैमेट बनाएगा और फीमेल कैसे गैमेट बनाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेल एनिमल यहाँ पे होता है, मेल ग्रास हॉपर, जब आपके स्पर्म बनाता है, जब व्हेन इट विल स्टार्ट मेकिंग द स्पर्म, तो ये बनाएगा दो टाइप के स्पर्म। एक स्पर्म में होंगे ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा जो स्पर्म यहाँ पे होगा, दूसरे जो स्पर्म ये बनाएगा, दैट स्पर्म विल हैव ऑटोसोम प्लस जीरो, मतलब उसमें कोई भी क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम वहां पे नहीं होगा, सो इट विल हैव ओनली ऑटोसोम्स। तो याद रखना मेल यहाँ पे दो टाइप के स्पर्म्स बनाते हैं, एक स्पर्म के अंदर आपका होगा एक्स क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, दैट इज वन टाइप ऑफ स्पर्म,
और 50% स्पर्म जो यहाँ पे बनाएगा दैट विल हैव ओनली ऑटोसोम्स, नो सेक्स क्रोमोसोम इज बीन सीन। तो याद रखना मेल आपके यहाँ पे दो टाइप के स्पर्म बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फीमेल की यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फीमेल एनिमल की, तो फीमेल ने ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी, फीमेल ने यहाँ पे बनाना है मेरे यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ एग, फीमेल बनाएगी यहाँ पे वन टाइप ऑफ एग एंड दैट विल बी हैविंग माय ऑटोसोम प्लस एक्स, बस फीमेल ने एक ही टाइप का यहाँ पे एग बनाना है, फीमेल ने और कुछ यहाँ पे अलग नहीं करना, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मेरा ये वाला स्पर्म जाके इसके साथ फ्यूज करेगा तो आप बताइए क्या बनेगा, मेल बनेगा फीमेल बनेगा? फीमेल फीमेल आपको मिलेगी देखने के लिए आपके ग्रास हॉपर कॉकरोच और राउंड वर्म के अंदर, और ये चीज आपको यहाँ पे भूलनी नहीं है, दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू फॉरगेट, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। So, ये अच्छा एक और चीज याद रखना, इस कंडीशन के अंदर जो मेल मेरा यहाँ पे होगा उसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ हेटरोगैमेटिक, दैट इज माय हेटरोगैमेटिक। ऑन द अदर हैंड मेरी जो फीमेल यहाँ पे है होमोगैमेटिक, बिल्कुल सही होमोगैमेटिक, बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू बी होमोगैमेटिक, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो X0, XX, X0 वाला आएगा अगर आता है क्वेश्चन, तो पहले तो याद रखना कि मिलता किसमें, ग्रास ओवर कॉकरोच एंड राउंड वर्म्स। वो मैसिव फॉलोइंग में उन्होंने कई बार क्या करना है, आपको ग्रास ओवर की जगह वो लोग रखेंगे वहां पे राउंड वर्म्स, तो याद रखना राउंड वर्म में भी आपका XX, X0 वाला होता है। और यहाँ पे आपका जो मेल होंगे, मेल दो टाइप के गैमेट्स बनाते हैं, एक गैमेट के अंदर आपका होगा ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, और एक गैमेट होंगे जिसमें सिर्फ ऑटोसोम्स होंगे। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो। So, ये आपने यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए, so, that's something should be clear, ठीक है? Now, let's see. So, ये आपको वहाँ पे पिक्चर है, just to tell you whatever we have done. आप देख लो यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे जो मेल है, let me change the color. मेल है आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, एंड मेल यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बना रहा है, ए प्लस एक्स, ए प्लस जीरो, दो टाइप के स्पर्म यहाँ पे बना रहा है, ठीक है? और फीमेल यहाँ पे बना रही है सिर्फ एक ही टाइप का स्पर्म, एक्स वाला, ठीक है? So, that is something we have shown. Now, नेक्स्ट वन इज माई ZWZZ टाइप ऑफ माई सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा ये बताओ ये वाला बर्ड तुम्हारे घर के आसपास दिखता है क्या, ये वाला बर्ड? Yes, sir. बड़ा कॉमन है। एंड द थिंग इज ना ये बर्ड बहुत ही लाइक ऐसा है जो ह्यूमंस के आसपास रहता है एंड उसको ज्यादा लाइक उसको कुछ डर भी नहीं होता ज्यादा, दैट इज समथिंग आई हैव सीन, इज लिव्स वेरी क्लोज बाय ह्यूमन बीइंग्स, इवन आई हैव सीन देम लाइक रोविंग अराउंड शाम को 7 बजे तक भी यहाँ से वहां कूद कूद के जा रहा होता है। It's a very nice kind of bird which has no inhibitions like growing around human beings. I can't remember the name of the bird actually right now, but it's a very good bird you get to see in the nearby. Koyal. अरे नहीं रे बाबा. Koyal. Koyal नहीं है वो. ठीक है. It's not koyal. It is a different bird. It is a some kind of I think thrush है ये. Thrush है. एक thrush की species है. THRUSH. But वो कौन सी species है मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल. ठीक है. Okay. We'll see that later. हाँ बेटा बोलो क्या कर रहे हो आप? सर कोयल नहीं है ये? नहीं नहीं कोयल नहीं है ये, कोयल नहीं है, कोयल बना दिया तुमने ऐसे, कोयल नहीं है, कोयल तो कोयल होती है, कोयल तो बिल्कुल ब्लैक होती है, इसको कभी ध्यान से देखना, ये होता है लाइक ब्लू कलर का होगा, ये लाइक ऐसे डार्क ब्लू कलर का है और इसकी एकदम बढ़िया सी येलो कलर की इसकी बीक होगी एंड बहुत कॉमनली दिखता है अपने आसपास अपने एरिया में, एटलीस्ट कांगड़ा वाले बेल्ट में बहुत इसे देखा है, राइट। सो कभी नोटिस करना, कोयल इज नहीं, कोयल तो बिल्कुल ब्लैक रहेगी बिल्कुल, ठीक है। ZWZZ type of my sex determination. तो पहले याद रखना कि मुझे मिलेगा किसके अंदर। So first of all, I have to know that this is something I'll get to see in my birds. Then I'll get to see in some reptiles. कुछ reptiles में ये मुझे देखने के लिए मिल जाएगा in some reptiles and even in some fishes. इन सब के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए ZWZZ type of my sex determination. Some reptiles मतलब तुम्हारे से गिरगिट हो गए या ऐसे लिजार्ड हो गई तुम्हारे सामने जो बैठी है लिजार्ड, ऐसे और reptiles के अंदर आपको ये ZWZZ type of determination आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब पहली चीज आपको यहाँ पे याद ही रखनी है कि इसमें मेल और फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा। तो हम अगर एग्जाम्पल लेते किसी बर्ड का, तो जो मेल बर्ड यहाँ पे होगा, मेल बर्ड विल हैव ऑटोसोम्स प्लस ZZ, ये होगा मेल का जीनोटाइप। और जो मेरा फीमेल यहाँ पे होगा
फीमेल जो मेरा यहाँ पे होगा दैट विल हैव अ जीनोटाइप दैट इज गोइंग टू बी योर ऑटोसोम्स प्लस ZW. तो यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेट्रोगैमेटिक कौन निकला यहाँ पे हमारा, कौन है यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक? फीमेल बाबा, फीमेल ZW है ना वहाँ पे, वहाँ पे सी ओवर ZW, मतलब दोनों अलग अलग यहाँ पे मेरे हैं यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम ZW. सो दैट्स व्हाई फीमेल इज माय हेटेरोगैमेटिक ओवर हियर. फीमेल मेरे यहाँ पे रहेगी हेट्रोगैमेटिक. ऑन द अदर हैंड मेल जो मेरे यहाँ पे है दे बिकम एग्जाम्पल ऑफ योर होमोगैमेटिक. होमोगैमेटिक, हाँ जी, दे बिकम एग्जाम्पल ऑफ योर होमोगैमेटिक. So, इतना पहले आप याद रखना यहाँ पे, that is one thing I want all of you to remember in this, कि मेल और फीमेल में आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाएगी. अब हमें समझना है कि यार यहाँ पे होता क्या है. सो यहाँ पे चीजें थोड़ी हो जाती है अलग. अरे एंड अलग चीज इज गोइंग टू बी कि फीमेल जो आपकी यहाँ पे होगी वो बनाएगी आपके दो टाइप के एग. सो जो फीमेल आपकी रहेंगी, अगर आप समझ लो आपका फीमेल कोई बर्ड है यहाँ पे, तो फीमेल बर्ड आपका बनाता है दो टाइप के एग्स यहाँ पे वो बनाएगा, राइट? एंड टू एग्स आर गोइंग टू बी योर, एक आपका होगा यहाँ पे ऑटोसोम प्लस जेड. तो एक ये टाइप का एग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और दूसरे टाइप का एग जो यहाँ पे बनेगा दैट इज व्हाई ऑटोसोम प्लस W. तो याद रखिएगा फीमेल ने यहाँ पे दो दो टाइप के एग्स यहाँ पे बनाने हैं. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन ओवर हियर. सो फीमेल यहाँ पे आपके दो टाइप के एग बनाएगी. ऑन द अदर हैंड जो आपके यहाँ पे मेल एनिमल यहाँ पे होता है, मेल एनिमल को ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना होता, उसको बनाने होते सिर्फ एक ही टाइप के स्पॉट्स. Right. So the male animal is going to make only one kind of your sperm will be formed over here, and that will be my autosome plus. क्या होगा? W या Z? कौन सा होगा? Z. Right. बहुत बढ़िया. Yes. So only the one kind of sperm will be formed by the males, और वो जो आपके sperm बनेंगे, that is my autosome plus Z. तो ये चीज तुम्हें सुंदर याद रखनी है. अब सिंपल सी बात है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है यहाँ पे, कौन बताएगा? रिया पहले आप बताओ, अगर स्पर्म जाके इस वाले एग को अगर फ्यूज करेगा तो क्या आंसर होगा, क्या बनेगा? फीमेल. राइट, दैट विल बी अ फीमेल. ठीक है, देन रुशील, अगर ये वाला स्पर्म जाके इस वाले एग को जाके फ्यूज करेगा देन क्या बनेगा? नो आंसर. तमन्ना, क्या आंसर होगा इसका? इफ अ स्पर्म गोज एंड फ्यूज विद द दिस एग, फीमेल एग, देन व्हाट विल हैपन? सर मेल बनेगा. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेल ओवर हियर. आपको याद रखनी है, एंड ये कंडीशन मिलेगी आपको देखने के लिए इन योर व्हाट यू कॉल्ड एज अ बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स एंड योर फिशेस. सो इनके अंदर आपको ये तीन ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका आप पिक्चर में यहाँ पे लेके रखा हुआ है. सो यू आर फाइंडिंग योर मेल्स आर फॉर्मिंग टू काइंड ऑफ गैमेट्स ओवर हियर, सॉरी फीमेल्स आर फॉर्मिंग ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट, फीमेल के यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट है यहाँ पे. And that is something they have done the mist. Sorry. Males over here forming the only one kind of sperms over here. एक टाइप के sperm यहाँ पे बना दो वो लोग. And female is forming the two kind of eggs. So दो टाइप के एग यहाँ पे आपके यहाँ पे. So this is something you have to know in terms of my birds, in terms of my some reptiles and some of the fishes will have this kind of condition. Sir, इस bird को maybe night angel बोलते हैं. नहीं. ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, नाइट एंजल अलग रहता है आपका. सर ये बोलो सर ये बटरफ्लाइज में मिल जाएगा ZW एंड Z. नहीं, बटरफ्लाइज में अलग होता है. बटरफ्लाइज में विल हैव अ ZZ एंड Z0. बटरफ्लाइज एंड मॉथ विल हैव अ डिफरेंट कंडीशन, दैट इज गोइंग टू बी योर Z0 एंड ZZ. यस सर. ठीक है, सो उसमें अलग होगा, वो हम बाद में देखेंगे. सो अभी तक हमने ये देख लिया, द लास्ट थिंग वी हैव टू सी इज गोइंग टू बी द बटरफ्लाई एंड मॉथ वाला. But that is something we'll have to look at that thing later. ठीक है, अब चलो ये सब तो ठीक है, पहले आप ये चीज का ध्यान रखना, ये सब तो आपको याद हो जाएगा, that is a simple thing. Assignment जो आपको आज वापस मिलेंगे, again the assignment will be based on linkage and crossing over. So करिएगा, उसे करिए एंड देखिए कौन से आ रहे कौन से नहीं आ रहे, बिकॉज यू नीड टू नो द लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस हैज टू बी डन. प्रोसेस अगर आप कर पा रहे हो देन सब ठीक है, अगर आप प्रोसेस आपसे नहीं हो रहे देन उसको हमें एड्रेस करना होगा. लेकिन बिफोर वी रैप अप द क्लास, मुझे बताइए अभी तक जो हमने सीखा है इन टर्म्स ऑफ लिंकेज, क्या वो आपको यहाँ तक